लोगे? हाँ हाँ निकल गया हूँ, बस 2 मिनट पहुँच जाऊँगा मैं, आनंद नगर पहुँचने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज संडे एंड इट्स अ सनी डे, सो वेलकम बैक टू माय फ्रेश ब्लॉग। सो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कहीं दूर जाने वाले हैं, तो यस राइट, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग टू गिन्नौरगढ़ फोर्ट विच इज़ 70 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एंड विच इज़ ऑल्सो इज़ इन फॉरेस्ट। सो नो डाउट आपको एडवेंचर के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को अंत तक देखिए, मज़ा आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं संजय के घर, संजय को पिकअप करने, उसके बाद हम निकलेंगे गिन्नौरगढ़ फोर्ट के लिए। ये चश्मा तो बहुत धाकड़ वाला है, ये चश्मा मैं भूल रहा हूँ किसका है, कबीर सिंह स्पेशल, यस। तो सामने आ गया है पहला टोल, और इस टोल को देख के इतनी खुशी होती है ना भाई, तो इसलिए कि मैं अक्सर ट्रैवल करता था कार से, और हर टोल में कोशिश करता था कि अगर साइड से निकलने का मौका मिल जाए तो, क्योंकि जो पैसे लगते हैं उस पैसे को देने में। अच्छा आप बताओ कितने लोग हो जो कार से ट्रैवल करते हो और कोशिश करते हो कि साइड वाला जो एरिया से अगर आप निकल जाओ तो आपका टोल बच जाए। ओहो, आगे कुछ दिख नहीं रहा यार धूल से। ये गाड़ी वाले को देख के याद आ गया न्यूज़ चैनल, कैसे जब लॉकडाउन में लोग अपने घर इस तरह से बैठ बैठ के जाते थे और कैसे लोगों को पकड़ा जाता था रास्ते में, क्या अनैतिकता क्या अनैतिकता, कुछ समझ में नहीं आता है। वंस विल सी बैक, एवरीथिंग इज चेंज राइट नाउ। सो दिस इज अ वाइड रोड ऑफ मंडीदीप, थोड़ा टाइम जोर लग रहा है बनने में, बट बिलीव मी वंस दिस रोड विल कंप्लीट, भोपाल टू बैतूल आपको जाने में हार्डली 2 से 2.5 घंटा लगेगा, 200 किलोमीटर, और मंडीदीप क्रॉस करने में 10 मिनट्स ओनली। गुड रोड स्टार्ट बिगेंस, मंडीदीप क्रॉस करने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, मैं आपको वीडियो में पूरा रोड नहीं दिखा सकता हूँ, बट अगर कभी मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा उसको तो मैं आपको एक स्पेशली हाउ वी आर क्रॉसिंग मंडीदीप तो वो दिखाऊँगा आपको, तो आपको जरूर पता चलेगा कि मंडीदीप क्रॉस करना ऑफ रोडिंग से कम नहीं। धूल नहीं थी उस दिन, आज लेट निकले ना। सो मोहिनी रेस्टोरेंट भोजनालय एंड चाय कॉफ़ी हाउस में हमने अभी टी ब्रेक लिया है, और ये पकड़ो बैग और आगे से हमें लेना है राइट, तो फिर हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट वाले रास्ते में। देख रहे हो इस साइड भी पहाड़, सामने भी पहाड़, इधर भी पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। तो मैं आपको एक बात बता दूं, गिन्नौरगढ़ 800 साल पुराना किला है, और वो इसलिए फेमस है कि वहाँ पे 7 कुएं के साथ साथ ऊपर में एक झील भी है, और एक ऐसा पानी का स्रोत है जहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, गर्मियों में भी नहीं, आज तक कभी नहीं सूखा है, और बहुत ही ऑसम फोर्ट है वो। वहाँ तक लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो एक ट्रैकिंग प्लेस है, लगभग 1 घंटा पैदल चलना पड़ता है, बट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गिन्नौरगढ़ फोर्ट, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अबेदुल्लागंज से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, भोपाल सिटी से अराउंड 70 किलोमीटर, और आप मजे लीजिए इस व्यू का।
संजय को मैं बोल रहा हूँ कि चलो ले लद्दाख, तो चल ही नहीं रहा है। तुम चाहे मेरे बाइक से ही चलवाओगे मेरे को, मैं मर जाऊँगा चलाते चलाते। सो दिस प्लेस इज ऑसम, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय द जंगल्स एंड इन दिस जंगल देर हैविंग लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। अरे ये तो बहुत अच्छा प्लेस है यार, व्यू पॉइंट। तो हम लोग चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। ये तो संभल के आओ भैया, और नीचे भी आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। सो दिस प्लेस इज क्वाइट ऑसम, वी आर इन द हाइट ऑफ 30 to 40 feet। मैं और संजय यहाँ पे हूँ और ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये लोहे का एक बना हुआ है और इसके ऊपर हम लोग चढ़े हुए हैं। और इस पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो रेलवे का जो बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड एज इट इज़ ला के लगा दिया गया है। मजबूत तो है बट इतना भी मजबूत नहीं, बट जो लुक आ रहा है ना उसके कारण हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि आपको कुछ ऑसम लुक दिखा सके। तो अब यहाँ से उतरते हैं, उतरना भी बहुत संभल के पड़ेगा। मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं हूँ ऐसी 90 किलो का, और ये संभालेगा कि नहीं उसका बहुत मुझे शक है। बट आराम आराम से उतरेंगे और हम जो है सिर्फ लोहे पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि स्टील है तो भरोसा है। वाओ गजब, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये ऊपर है और ये कहीं ना कहीं नीचे है। इतना आसान नहीं यहाँ से उतरना और चढ़ना दोनों, बट अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। ये इस तरह से टूटा हुआ है ये। ओहो बच गए, चले। ड्राइव स्लो, देयर इज अ डियर, एनी टाइम दे कैन कम। और इधर मुझे दिख रहा है बंदर और आगे है गैया माता, और ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर। अभी हमें थोड़ा देर चलना है इसी रोड पे और उसके बाद हम रोड के अंदर जंगल में ऑफ रोड चलेंगे और उस फोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। टिल नाउ वी आर नॉट कंफर्म कि हम फोर्ट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्राई। हम कोशिश ज़रूर करने वाले हैं क्योंकि फोर्ट तक जाना आसान नहीं है। कुछ लोग गए हुए हैं फोर्ट तक और कुछ लोग जाते भी हैं, बट हम पहुँच पाएंगे कि नहीं अभी नहीं कह सकते। ये जो आप इतनी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, आगे सलकनपुर माता का मंदिर है, तो आज नौमी का दिन है तो वहाँ भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। और ये बंदर चाचा, भाई इधर से जाना है कहीं से। सो अब हम लोग को रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमें लगता है कि नो थैंक यू, इधर से ही कहीं जाना है। रीस्ट्रक्चर, नॉट सेटिस्फाइड, फिनिश, गिन्नौर फोर्ट, साइकिल, पैदल, इधर है फोर्ट। ये देखो इसका पेड़ का कैसे वो उखड़ा हुआ है, बट ये तो बंद है भाई। अभी जाए कैसे?
सो अभी हम जंगल के थोड़ा सा अंदर आए हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउस है, जो भैया हैं वो बोले थोड़ा सा माहौल आप देख लीजिए, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि गाइड नहीं है। तो ये नदी यहाँ से गुजरती है और इस तरह का कुछ नदी है, और ये है ट्रैकिंग प्लेस जहाँ से होके आगे हमें लगभग 4 किलोमीटर जाना है और 700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। कहाँ पे है किला? किला है। हाँ हाँ अच्छा, ये कौन सा नदी है भैया? आज संडे है, गाइड को होना चाहिए था बट गाइड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अब ऐसा है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, टोटल प्लान इज कैंसल्ड। पता नहीं क्या सोच के आए थे और क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट जंगल, तो जंगल पे किसी का बस नहीं चलता। हम लोग सोचे थे कि आज का ट्रिप बहुत ही एडवेंचर वाला ट्रिप होगा, बट वैसा कुछ रहा नहीं। सो व्हाट टू डू राइट नाउ? बैक टू भोपाल, कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि कोई भी गाइड नहीं है।